तो नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आ गए हैं स्वाति सिकंदर जी के यहाँ। और जहाँ की पुरानी दिल्ली में छोले कुलचे की इतनी कार्टें और सब फेमस है, इसी बीच में आज हम सिकंदर जी के पास एक कुलचा लेके आए हैं और देखते हैं अभी इसमें से हमें क्या निकाल के देते हैं। बाबू जी नमस्कार। देखिएगा, ये मेरी बड़ी फेमस सी एक आइटम है जिसको कहते हैं कुलचे अफीम वाले, अफीम वाला कुलचा बनाना और वो भी अंडों के अंदर अफीम डालना। आइएगा चलते हैं। आपने अक्सर कुलचे छोले खाए होंगे ये कुलचे भीगे में खाए होंगे छोले के अंदर, मगर मैं खिला रहा हूँ, जी हाँ, अफीम वाला कुलचा अंडों के अंदर अफीम के अंदर बनाना और अंडों के अंदर कुलचों का टेस्ट देना और फिर ऊपर से अफीम को डालना। ये जायका स्वाद के सिकंदर का है। आइएगा उस जायके की ओर लेके चलता हूँ और बनाता हूँ स्पेशल अफीम वाला कुलचा। आइएगा मेकिंग की ओर चलते हैं और इस कुलचों को काटते हैं और आज स्पेशल बनाएंगे अफीम वाला कुलचा। जी हाँ, आपने जायके तो बहुत खाए हैं मगर उस स्वाद को खाना और खिलाना ये स्वाद के सिकंदर की पहचान है। और ऐसे ही जायके और इस अफीम वाले कुलचे के लिए देखिएगा, बड़े प्यारे प्यारे कुलचे हैं। मेरे तो देख के दिल कर रहा है कि मैं भी दो एक खा लूँ। आप भी मेरे साथ चलिए और आज बनाएंगे स्पेशल अफीम वाला कुलचा। जी हाँ, ये ऐसे ही आते हैं इंग्लिश ओवन के और ये जायका कैसे तैयार होगा आइएगा तैयार करते हैं, क्योंकि प्यारी सी चीज़ बना रहे हैं तो मज़ा भी आना चाहिए उस स्वाद के लिए। भैया कह रहे हैं कैसी कैसी चीज़ें निकालते हो सिकंदर भैया और कैसे कैसे जायके बना लेते हो, हमें तो खुद नहीं पता, मगर सिकंदर भैया बनाते कैसे और कैसे सोचते हैं और तैयार करते हैं अफीम वाला कुलचा। जी हाँ, पहले मक्खन में अच्छी तरह करेंगे फ्राई और फिर उस कुलचे के अंदर अच्छी तरह करारा करके आपको खिलाएंगे। और इसके अंदर दो कुलचे दिए जाएंगे, एक इसके अंदर ही फिट होगा और एक काट के दिया जाएगा और प्लेट को भी क्या प्रेजेंटेशन आती है। आइएगा चलते हैं स्पेशल अफीम वाला कुलचा। थोड़ा सा करारा कर लें, जितना हमारा कुलचा करारा हो इतना रियल नेम क्या है? मेरा नाम यहाँ हरीश अरोड़ा है, मेरा पूरा रियल नेम और मैं अपने बाबूजी के नाम से जाना जाता हूँ सिकंदर, और मुझे लोगों ने कह दिया है स्वाद का सिकंदर। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ इसमें भी बहुत सी बातें हैं, मैं अक्सर किसी से इतनी बातें नहीं करता मगर मेरा नाम लोगों ने रखा है स्वाद का सिकंदर, क्योंकि मैं अलग से अलग जायके बनाता हूँ और मेरे फादर साहब को कहा जाता था अंडों का सिकंदर। मैं आज से कोई 35 साल पुरानी बात बताता हूँ कि मेरे फादर साहब जब ऑमलेट बनाया करते थे तो उनके पास एक सांदे टाइम्स के अंकल आते थे अमिताभ सर, जो आज भी मंगलवार के दिन आर्टिकल लिखते हैं, वो मेरे फादर साहब का आर्टिकल लिखा करते थे साल के साल एक या दो बारी। आप देखिएगा यहाँ पर कितने आर्टिकल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पूरे आर्टिकल हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे फादर साहब के टाइम के हैं, जब वो ऑमलेट बनाया करते थे तो उनको आके कहा करते थे वो अंकल, कहते थे अंडों का सिकंदर है तू। अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ उनका नाम अंडों का सिकंदर नहीं, सिकंदर था और है और आज भी है, नाम चलता है क्योंकि उनका आशीर्वाद है जो मैं आज यहाँ पर काम कर रहा हूँ और आज भी मेरी रोटी पानी उन्हीं के नाम से चलती है और ये जायका भी उन्हीं के नाम से चलता है। और मैं आज आपको जो खिला रहा हूँ उसका नाम है अफीम कुलचा। ये मुट्ठी भर के प्याज, देखिएगा मैं बातें भी बता रहा हूँ बड़ी प्यारी प्यारी, आप पुरानी ले गए मेरे को वहाँ तक, मगर धनिया, ये टमाटर और ये नमक, ये लाल मिर्च और ये बाबूजी के मसाले की चुटकी। जी हाँ, वही 15 से 18 मसाले मैं वही हाथ से डालता हूँ, क्योंकि मेरे बाबूजी कहा करते हैं जब भी कोई ऐसा जायका बनाऊँ और हाथ के मसाले डले हों, जो हाथ का कारीगर होगा और हर चीज़ जानता होगा तो उसके हाथ की चुटकी ही काफ़ी होती है। और ऐसे जायके में बनाना अफीम कुलचा, और वो कैसे पेश किया जाएगा, कैसे उसकी अफीम भी बनेगी, आइएगा चलते हैं। जो फ्राई वाला कुलचा है वो अंदर फिट करते हैं और फिर जो अंडे हमने कटिंग करी हुई है वो ऊपर लगाते हैं ऐसे। देखिएगा स्वाद का सिकंदर कुछ अलग चीज़ें दिखा रहा है, आप भी गौर कीजिएगा, बड़ा प्यारा सा टेस्ट है। ऐसे ही जायके मैं बनाता रहता हूँ, दो खिलाता रहता हूँ, क्योंकि ये जायके बड़े प्यार से परोसे भी जाते हैं और दिए भी जाते हैं। और खाने के टेस्ट को अंडों के अंदर बनाना, संडे हो या मंडे रोज़ खाइएगा अंडे। जी हाँ, ऐसे कुछ कहा जाता था। और गर्मी में भी अंडे खाने का शौक़ कोई कोई रखता है, मगर मैं कहूँगा कि ये प्रोटीन से भरा हुआ है। और आप भी ऐसे कुछ जायके को टेस्ट लीजिएगा, मैं तो बनाता रहता हूँ, मेरी कला है और मैं पेश करूँगा। चीज़ लेके आओ बेटा जो कमी है, जल्दी। तो सर, ये आपके माइंड में कंसेप्ट कैसे आया ये वाला? देखिएगा कॉन्सेप्ट तो चलते रहते हैं और मैं नए से नए जायके खिलाता भी रहता हूँ, आपने अक्सर देखा हो तो। बहुत सी चीजों को बनाने का कला है जो मैंने बचपन से अपने बाबूजी से सीखी है 6 साल की उम्र से,
और आज भी वो स्वाद और वो जायका आज भी अपने हाथ से परोसता हूँ और खिलाता हूँ लोगों को। और ऐसे ही चीज़ डली है, इसको थोड़ा सा मेल्ट करते हैं और फिर बनाएंगे इसकी रगड़ के अफीम। जी हाँ, और फिर वो टोटल चीज़ बनेगी अफीम वाला कुलचा। आइएगा उस जायकों की ओर चलते हैं और बना के खिलाते हैं आज आपको स्पेशल अफीम वाला कुलचा। देखिएगा चीज़ भी लगी हुई आपको नज़र आ रही होगी और बनाने कैसे है वो अफीम। आइएगा अफीम की ओर चलता हूँ। डलना पूरा हाफ मक्खन है, क्वार्टर में डाल चुका हूँ और क्वार्टर और डाल देता हूँ। ऐसे ही जायका बनाएंगे और गुड़िया कह रही है मेरा मन भी कर रहा है खाने का। ठीक है, बनाते हैं स्पेशल अफीम वाला कुलचा। देखिएगा वो अभी रेडी हो रही है। अभी मैंने दो अंडे डाले हैं, ये प्याज, ये मिर्चे, ये धनिया, ये टमाटर, नमक, लाल मिर्च और ये भाऊजी का मसाला। जी हाँ, वही उनका आशीर्वाद। देखिएगा वो डल चुका है और जायका कहाँ तक जाएगा। आइएगा चलते हैं उस स्वाद की ओर और बनाते हैं अफीम वाला कुलचा। दो मिनट क्लिप ले लो, अब इसको चलो रेडी करो स्टार्ट। देखिएगा ऐसे ही रगड़ रगड़ के तैयार होती है वो अफीम। अंडों के बहुत से फ्लेवर खाए हैं मगर इस अफीम को बनाने में और खिलाने में सबसे बड़ी चीज़ है मसाले और मसालों का जादू। ऐसे ही रगड़ रगड़ के निकालना और उस प्यारी सी अफीम को रेडी करना। देखिएगा ये जीप पे रखी जाती है ना, तो लाई जाती है इसी तरीके से स्वाद के लिए। आपने नहीं खाई, आप भी खाइएगा और ऐसे जायकों को स्वाद देते हैं। देखिएगा कैसे वो डलेगी अफीम और ये जायका कैसे तैयार होगा। देखिएगा मैं तो बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें आज आपको खिला रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल कर रहा है मैं आपको बड़ी प्यारे प्यारे स्वाद खिलाऊं और साथ में खिलाऊं कुलचा जो आपने हमेशा कुलचे छोले के साथ खाया है। मगर ये जायका कैसे तैयार होता है और क्या मैंने तैयार किया है ये आपको दिख रहा होगा, मगर जायका स्वाद के सिकंदर का है तो वो बड़े प्यारे अंदाज के साथ ये चीज़ें पेश करता है। और ऐसे अंदाज के साथ अपने भाऊजी का नाम भी लिखता हूँ मैं अक्सर। एक मिनट बाबूजी का नाम। जी हाँ, ये ज़रूरी है क्योंकि ये स्वाद का सिकंदर के हेड मार्किंग होती है और अपने बाबूजी का आशीर्वाद होता है। तो मैं तो बड़े प्यार से परोस के खिलाता हूँ और ऐसे ही जायकों को प्लेट के अंदर परोस के देता हूँ जो मैंने रेडी करे हैं। और आपने अगर ऐसा कुछ खाना है तो आप आइएगा स्वाद के सिकंदर की शॉप पर और ऐसे ही अंडों के कुछ खास फ्लेवर मैं खिलाता हूँ और भैया को परोस के खिलाता हूँ। देखिए भैया भी बड़ी दूर से आए हैं और ऐसे ही जायके मेरे तैयार हैं। अगर आप ऐसा कुछ खाना चाहते हैं। नहीं, मैंने किसी से कुछ नहीं लिया, चला गया आपके रखा। ये लीजिएगा तैयार है अफीम वाला कुलचा। जी हाँ, आपने हमेशा कुलचे छोले खाए हैं मगर मैं आज आपको खिला रहा हूँ अफीम वाला कुलचा और भैया बड़ी दूर से आए हैं और ऐसे ही जायकों में तैयार हैं उनके लिए और आपके लिए स्पेशल अफीम वाला कुलचा। रेडी करो जी।